मैं ज्ञान की कोई कविता नहीं करता साहब, मैं राजनीति को गाली इसलिए नहीं बकता कि समाज की फैक्ट्री खराब है, इसलिए राजनीति का प्रोडक्शन खराब आ रहा है। हमारे खुद के लक्षण ठीक नहीं है। 55 साल पहले मेरे दादाजी लोटा लेके जंगल जाते थे, वो काम मैंने घर में करवा लिया। अब अटैच्ड तकिए से 3 फीट दूर करता हूँ वो काम, जो काम मेरे दादाजी लोटा लेके जंगल में जाकर करते थे, जो काम मेरे दादाजी घर में बैठ के करते थे भोजन करने का, वो मैंने जंगलों में ढाबों पर जाकर शुरू कर दिया। मित्रों, घर का काम जंगल में हो रहा है, जंगल का काम घर में हो रहा है, ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। समझ में आ रही हो तो ताली वाली बजाते रहना। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए, 2,000 रुपए के जूते पहन लिए, नाम लेके कोई बात कही जाए, बिना नाम लिए बात कही जाए, वो कविता का सलीका होता है। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए, प्रोग्रेस कार्ड बता रहा हूं आपको, 2,000 रुपए के जूते पहन लिए, 1,500 रुपए की ली की जीन्स पहनी, 800 रुपए की टी शर्ट पहनी, 500 रुपए का धूप का चश्मा लगाया, 25 रुपए की टोपी लगाई, पर वो भी उल्टी। मित्रों, हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए, यह हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। क्षमा कीजिएगा, ये जो माताएं रहने बैठी हैं, इनके भी लक्षण इन दिनों ठीक नहीं दिख रहे हैं। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल हेयर बैंड क्लिप सिर में लगाती हैं, चमड़े का 10 रुपए का, और 5,000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पैर की उंगलियों में पहुंचा, तब मुझे लगा कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। यह हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। हमने इनसे कहा था बाल बढ़ाइए, नाखून कटाइए, इन्होंने नाखून बढ़ा लिए, बाल कटा लिए, ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। सब कहना चाहता हूँ, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। आजकल कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया। आप अच्छी कॉलोनी में जाके किसी का पता पूछिए। मैंने पूछा उज्जैन में एक से, मैंने कहा ये गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? बोले कौन से गुप्ता जी? मैंने कहा सेल्टेक्स में है, लंबे से, उनके पास मारुति 800 है। बोले नहीं पहचानता सर। उनका बच्चा पीछे से निकल के आया, बोला अच्छा अच्छा वो अंकल जिनके पास 2 कुत्ते हैं। आदमी की पहचान जब कॉलोनी में मोहल्ले में कुत्ते से होने लग जाए, इससे ज्यादा देश की अधोगति कुछ हो नहीं सकती। कुत्ते से पता लग रहा है साहब, और कुत्ते भी कौन से पाले जा रहे हैं? वो जो डेकोरेशन के काम आते हैं, उनमें कुत्ता ही तो नाम की नहीं होती। उससे ज्यादा कुत्ता ही तो उसके मालिक में होती है, वो कुत्ता पाले जा रहा है। कम हाइट के, वो इतने बड़े बड़े बाल आगे, इतने बड़े बड़े बाल पीछे, सफेद कलर के, वो लेके एक मैडम खड़ी कटे हुए बाल वाली, वहां सरवटे बस स्टैंड इंदौर में, वहीं पास में एक लड़का खड़ा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाई का एजेंट, बैग लेके, उस कुत्ते ने उस भाई साहब का पेंट का नीचे वाला हिस्सा मुंह में दबाया तो उसने छुड़ाया, उसके बाद बैग खोल के क्रैक जैक बिस्किट का पैकेट निकाला और 2 बिस्किट खिलाने लगा। मैंने कहा भाई साहब इसने पेंट पकड़ा, आप इसको बिस्किट खिला रहे हैं? वो बोला दरअसल बात यह है, मैं इसको लात मारना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसमें बिस्किट का क्या योगदान? बोला मैं देखना चाहता हूँ इसका मुंह किधर है और पीछे वाला भाग किधर है। ऐसे कुत्ते पाले जा रहे हैं। आप क्या लखनऊ में भी आपने देखा होगा पॉश लोकेलिटी में, अच्छे अच्छे बोलने से काम नहीं चलेगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं, हाँ कुत्ता आगे चलता है, मालिक उसके पीछे पीछे, वो जिधर जाता है वो उधर जाता है। ये आदमी की, आदमी के
को खाने को रोटी नहीं मिल रही उस देश में, जब कुत्ते डबल रोटी और मक्खन खाते हैं तब कहना चाहता है एक व्यंगकार। सुनिएगा, बात की तह तक पहुंचे तो तालियां बजाकर मुझे भी आशीर्वाद का हक मिल है मुझे लेने का। सुनिएगा, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए, अरे टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए। भूकंप में हजारों मरे गुजरात में, कोई नहीं रोया, होली के कपड़े पहुंचा के हम दानवीर कर्ण हो गए, अहमदाबाद में 12 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लगी, कपड़े पहुंचाए, रोया कोई नहीं, पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया, टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए, हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहे हूं, हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। और जिन दो पंक्तियों के लिए आज पंक्तियां लिखी हैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचना चाहती हैं, पंक्तियां यदि तालियां मांगे तो तालियां दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए, अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए।